हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जो भी आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत एग्ज़ाम जो होती है, जिसके थ्रू रेलवे में आपको जॉब मिलती है, उसकी अगर तैयारी आप करना चाहते हैं, तो जो एक सबसे बड़ी जिसमें वैकेंसी आती है वो होती है आरआरबी एनटीपीसी, जिसमें कि 12th लेवल से लेके ग्रेजुएट लेवल तक की जॉब्स होती है। 10th लेवल के लिए आरआरसी के तहत एक अलग से नोटिफिकेशन आता है, जिसमें लेवल वन की रिक्रूटमेंट होती है। तो लेवल वन में मोस्ट सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है, लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर में वैकेंसी आती है वो आरआरबी एनटीपीसी के तहत आती है। पिछली बार आरआरबी एनटीपीसी में 36,000 के लगभग पोस्ट आई थी, या 36,000 से ज़्यादा पोस्ट निकली थी, जिसमें कि अंडर ग्रेजुएट लेवल की अलग थी, जिसमें 12th तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएट लेवल की अलग थी, जिसमें कि एक आपके पास कोई भी अगर एक डिग्री है, ग्रेजुएट डिग्री, तो आप अप्लाई कर सकते थे। एनटीपीसी की कोई भी एक ऐसी पोस्ट नहीं है जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में आपको कुछ अलग से स्पेशल रिक्वायरमेंट होती हो। 12th किसी भी सब्जेक्ट से अगर 12th है आपका, तो आप उसमें एलिजिबल होते हो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। और अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो आप ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी है उसके लिए आप एलिजिबल रहते हो। तो ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये वीडियो उनके लिए है जो आरआरबी एनटीपीसी के तहत रेलवे में जॉब पाना चाहते हैं। तो जुलाई में अगर नोटिफिकेशन आता भी है, तो दिसंबर के पहले, अगर जुलाई में आया तो दिसंबर के पहले टीयर वन हो जाएगा, और उसके बाद टीयर टू, और जो भी सारी एग्जाम प्रोसेस है जो इस वीडियो में आगे बात करेंगे वो हो जाएगी। तो अब ये वीडियो मैं अभी क्यों बना रहा हूँ, जबकि जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि अगर नोटिफिकेशन का इंतजार करके कोई तैयारी करेगा सिलेक्शन के लिए, उसको मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होने वाला है। तो अगर फ्रेशर इस वीडियो को अभी से देखेगा, तो उसको जो जो डिटेल्स चाहिए, या जो पहले से भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको भी अगर जो जो डिटेल आरआरबी एनटीपीसी के बारे में चाहिए तैयारी करने से पहले, वो सारी इस वीडियो में मिल जाएगी। इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपको नोटिफिकेशन आने से पहले, नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स आती है, उसकी सारी जानकारी आपको पहले से रहे। ठीक है, तो मैं आपको 2019 के नोटिफिकेशन को पढ़ते हुए ही 2024 में चीजें किस तरीके से रहने वाली, वो सारी की सारी चीजें बताऊंगा। तो दोस्तों देखो, ये था हमारा 2019 का नोटिफिकेशन, जो कि फरवरी में आया था, और फिर जो टीयर वन की डेट दी गई थी वो दी गई थी जून से सितंबर। यानी देखो, जो क्लोजिंग डेट थी वो 31 मार्च थी, और जुलाई में एग्जाम हो जाने का टेंटेटिव बोला गया था, मतलब कि 4 महीने बाद टीयर वन होने वाला था। इसको रेफरेंस मान करके अगर ऐसा देखो, तो अगर जुलाई में आपका, जुलाई 2024 में अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स मान के चलो, तो दिसंबर के पहले आपका टीयर वन तो हो ही जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको 4 महीना मिनिमम मिल सकता है। लेकिन मुझे जो लगता है ना, अगर इसको देखोगे तो 4 महीना मिला था, लेकिन अगर मुझे जो लगता है वो मैं उस हिसाब से बताऊँ, तो आपको 2.5 महीने से में पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, और मुझे लगता है 3 महीने के बाद से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। जो लोग ये बोलेंगे कि पिछली बार की टाइमलाइन बताओ, क्योंकि किसी ने मुझे पूछा था, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आप बस शॉर्ट में ही बताता हूँ। देखो, 28 फरवरी को नोटिफिकेशन आया था, और जो हमारी पहली बैच ज्वाइन हुई थी लेवल 5 की, देखो लेवल 6 की थोड़ी जल्दी हो गई थी, क्योंकि लेवल वाइज चीज़ें चली थी, लेवल 6 को पहले किया गया, 5 को फिर ऐसा करके। तो लेवल 5 की अगर ज्वाइनिंग के बारे में बताओ, तो 17 अप्रैल 2023 को, पूरे पूरे 4 साल बाद हमारी ज्वाइनिंग आई थी। आप लोगों को ये चीज़ देख के डीमोटिवेट नहीं होना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो रिक्रूटमेंट है पूरा 1.5 ईयर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर नहीं भी होता है, तो किसी को ये सोचने की जरूरत नहीं कि एग्जाम डिले होने वाला है या क्या। जो आज से तैयारी करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने चांसेस सिक्योर करेगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद जो मैं एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, वो उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस आरआरबी में, देखो आरआरबी से हमको अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन एक आरआरबी के अलग अंदर अलग अलग जोन भी होते हैं, तो कई बार ये डिसाइड करने में दिक्कत आती कि हमको अगर जो जोन चाहिए उसके लिए हमको किस आरआरबी से अप्लाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आरआरबी मुंबई का लो, तो आरआरबी मुंबई डब्ल्यूआर के लिए भी रिक्रूटमेंट करता है, और सेंट्रल रेलवे के भी रिक्रूटमेंट करता है। इस प्रकार से मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस आरआरबी के अंदर कौन से जोन आते हैं, और अगर आप ये देखना चाहते हो कि किस जोन के अंदर डिवीजन वगैरह क्या है, जोन के अंदर डिवीजन क्या है, और किस किस जगह पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है, उसके लिए मैं ऑलरेडी मैप की सीरीज बहुत ज़्यादा मेहनत से इस चैनल पे अपलोड करते रह रहा हूँ, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। एक और चीज़ जो मैंने शायद वीडियो में पहले बोली है या नहीं, इसलिए अभी फिर से बोल दे रहा हूँ, आरआरबी एनटीपीसी 2024 का इंतजार मैं कब से कर रहा था, जब से मेरा सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। यानी कि आप ये समझ के चलो, दिसंबर 2022 से मैं तैयार ये समझ रहा था कि जब एनटीपीसी 2024 का नोटिफिकेशन आने वाला रहेगा, मैं अगले बैच को पूरा का पूरा गाइड करने वाला हूँ इसके बारे में। क्यों गाइड करने वाला हूँ, क्योंकि जब मैं अपने लिए वीडियोस देखना चाह रहा था यूट्यूब पर, तो बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल था, लेकिन रिलेवेंट कंटेंट बिल्कुल नहीं था।
एक अच्छी जानकारी के चक्कर में 15-20 बेकार जानकारी भी मुझको रखनी पड़ रही थी। बहुत ज़्यादा कंटेंट तैयार करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि जो आपके लिए ज़रूरी है, रिलेवेंट है, जिस टाइम पे चाहिए वो मैं आपको दे सकूँ। तो ये तो आप निश्चिंत हो जाओ कि RRB NTPC 2024 में जितनी भी ज़रूरी चीज़ें रहेगी सही सही टाइम पे मेरे चैनल पे आपको मिलते रहेगी, और जो ज़रूरी नहीं है उसको बनाने से मैं बचूंगा। ठीक है, तो ये बता दिया आपको। तो जो भी अगर RRB NTPC 24 की तैयारी करना चाहते हो तो नोटिफिकेशन इंतज़ार मत करो, अभी से तैयारी शुरू करो। ठीक है, एग्ज़ाम अभी एक्सपेक्टेड मान के चलो आपके नवंबर में CBT 1 हो जाएगा। चलो अब नोटिफिकेशन को लेके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट रहती है। तो 1 जुलाई 2024 के पहले अगर आपका 12th का रिजल्ट आ जाता है तो आप इन 5 पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है, और अगर 1 जुलाई 2024 के पहले, देखो ये एक्सपेक्टेड है, इसकी जगह ये भी हो सकता है कि 1 जनवरी 25 कर दिया जाए, है ना। और भी एज के बारे में बताता हूँ, तो ये है 1 जुलाई 2024 के पहले अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तो आप ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे, लेकिन अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ तो 12th लेवल पे आप अप्लाई कर सकोगे। ठीक है, अब एज के बारे में बताऊँ तो देखो ये 2019 का नोटिफिकेशन है ये वाला, तो 2019 के नोटिफिकेशन में एज जो थी वो क्या थी, 18 से 30 ईयर। लेकिन 2024 में एक आपको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया गया है कोविड की वजह से, जिसमें कि +3 ईयर हर एज क्राइटेरिया को कर दिया गया, यानी कि अगर यहाँ पर 18 से 30 ईयर था तो अब ये हो जाएगा 33 ईयर्स। यानी कि अगर UR से आप अप्लाई करोगे अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए तो अगर 33 ईयर तक के आप हो तो आप अप्लाई कर पाओगे। OBC से हो, ये देखो 33 ईयर के ऊपर सारे रिलैक्सेशन मिलने वाले, यानी OBC से हो तो 36 ईयर के भी अगर आप हो तो आप अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की दूसरी जॉब्स में क्या होता है, अगर 12th क्वालिफिकेशन होती है तो 18 से 27 ईयर रहता है। रेलवे में ऑलरेडी 30 था, इस साल वन टाइम रिलैक्सेशन के रूप में 3 साल और मिल गए। पोस्ट कौन कौन सी है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे वो मैं बताता हूँ आपको। और एक बात जो मैं आपको बता देता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सैलरी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी मतलब महंगाई बढ़ी तो तुरंत जब भी अप्लाई होता है, जब भी घोषणा होती है DA की तो वो आपको मिलने लगता है। सैलरी को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट में आप कभी भी कंप्लेन नहीं कर सकते, ये तो मैं मानता हूँ। अभी जॉब करते हुए 8 महीना मुझे हो गया, 8 महीने में 3 बार मेरी सैलरी बढ़ चुकी है, तो ये तो मैं आपको बता सकता हूँ कि सैलरी को लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, चाहे आप किसी भी लेवल में हो। तो लेवल टू में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइमकीपर, ट्रेन क्लर्क और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये जो पोस्ट है CCTC सबसे ज़्यादा हाइप्ड पोस्ट तो यही पर है। CCTC की जो पोस्ट है ये लेवल 3 में आएगी। अभी मैं आपको आगे जो चीज़ें जरूरी सारी बताते जाऊँगा, वीडियो को बीच में कमेंट मत करो, बीच में कोई भी वीडियो देखते हुए कमेंट नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है जिसके अंदर क्या आती है TTE, और ज़्यादातर लोग रेलवे में सिर्फ TTE बनने के लिए आना चाहते हैं, लेकिन हमेशा याद रखो डेविल इज इन द डिटेल, लेकिन सोच समझ के करना, सारी रिसर्च करने के बाद ही अप्लाई करना कोई भी पोस्ट के लिए। पोस्ट प्रेफरेंस जब डालोगे तब तक आपको सारी क्लैरिटी इसी चैनल पे मिल जाएगी, फिर डिसाइड करके अप्लाई। तो ये अंडर ग्रेजुएट पोस्ट 10,600 थी, अब ये है ग्रेजुएट लेवल पे। अगर कोई ग्रेजुएट हो चुका है और वो NTPC देना चाहता है तो उसके लिए इतनी सारी पोस्ट है, और एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 से 33 हुआ करता था, लेकिन अब इस साल क्या मिलने वाला है 18 से 36। अब 18 से 36 ईयर तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकेंगे, ये बात हो रही है UR की, और जो सारे रिलैक्सेशन मिलेंगे वो इसके ऊपर मिलेंगे। यानी अगर कोई OBC से है तो वो 39 ईयर का भी अगर हो गया है तो वो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में, कौन कौन सी पोस्ट मिलने वाली है। लेकिन जो पोस्ट आपको इस बार नहीं मिलने वाली है वो है सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। पिछली बार 2018 में ये पोस्ट तुरंत बनाई गई थी सीनियर, जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में सारी जो अलग अलग क्लर्क थे उनको कंबाइन करके CCTC की पोस्ट बनाई गई थी, और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि सीनियर CCTC की पोस्ट जो है ये वाली सीनियर CCTC कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क ये डायरेक्ट निकाल दी गई थी। लेकिन उसके बाद 2020 में कुछ ऐसा अपडेट आया है जिससे हमको ये अंदाज़ा लगा है या लगभग कन्फर्म हो गया कि अब ये पोस्ट डायरेक्ट नहीं आएगी, ये सिर्फ लेवल 3 में ग्रेजुएट लेवल पर आएगी। अब इसकी जगह देखिए कोई दूसरी पोस्ट बना के लेवल 5 में आ जाए तो बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये पोस्ट नहीं आने वाले, अब लेवल 3 में ज्वाइन करेंगे और प्रमोट होकर यहाँ पे आएंगे। यानी अगर कोई TT बनना चाहता है तो उसको लेवल 3 यानी 12th लेवल पे ही ये CCTC बनना पड़ेगा, ये वाली पोस्ट पे बनना पड़ेगा, प्रमोट होगा। ठीक है, तो ग्रेजुएट पोस्ट में ये है ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड की पोस्ट भी बहुत लोग एस्पायर करते हैं, गुड्स गार्ड बनना चाहते हैं क्योंकि उसमें सैलरी बहुत अच्छी होती है। मेडिकल स्टैंडर्ड इनका A2 है। सीधा देखो एक बात बता देता हूँ आपको, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की अगर कोई पोस्ट होगी तो उसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 होगा,
कोई अगर क्लर्क वाली पोस्ट है जो ऑफिस वाली है तो उसका C2 होगा, और लेकिन कोई ट्रैफिक डिपार्टमेंट की है तो उसका A1 A2 A3 रहता है, ये मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है। अब डिटेल बाद में बताता हूँ। और कौन कौन सी पोस्ट है, ये जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की जो पोस्ट है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है। लेवल 4 में सिर्फ एक ही पोस्ट है ट्रैफिक असिस्टेंट की, इसके अलावा गुड्स गार्ड लेवल 5 में है, सीनियर कॉमर्शियल कम ट्रेड क्लर्क अब नहीं आएगी, कॉमर्शियल अप्रेंटिस लेवल 6 की पोस्ट है, और साथ में स्टेशन मास्टर भी लेवल 6 की पोस्ट है, है ना। तो इस प्रकार से 24,600 पोस्ट जो थी वो ग्रेजुएट लेवल पे आई थी। उम्र के बारे में आपको बता दिया कि ये जो है 36 होने वाला है ना, और जो रिलैक्सेशन मिलेंगे वो इस 36 साल पे मिलेंगे, 18 से 36 में। जो PWBD कैंडिडेट है उनको जब नोटिफिकेशन आएगा तब ये चीज पता चलती, वो अभी आप ये वाले नोटिफिकेशन, ये वाले पार्ट को देख के समझ सकते हो कि कौन सी पोस्ट पे कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है। विजुअली इम्पेयर्ड जो कैंडिडेट होगा PWBD, वो कॉमर्शियल अप्रेंटिस के लिए एलिजिबल नहीं होगा, लेकिन अगर ये सारी डिसेबिलिटी है तो वो एलिजिबल है, ये वाली डिसेबिलिटी है तो नहीं है। अगर PWBD पे मैं आपको बताना चाहूँ तो एक अलग से वीडियो बन सकता है जिसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट जो पिछली बार हाई डिमांड पे रही थी, जिसकी कट ऑफ भी ज़्यादा गई थी, वो इसलिए क्योंकि इसमें टाइपिंग नहीं थी तो लोगों ने इसको पहले अप्लाई किया था। लेकिन टाइपिंग के बारे में अगर बताऊं तो बहुत कठिन नहीं है, जब समय आएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि टाइपिंग किस प्रकार से करना है। तो ये सारी पोस्ट थी, ये उनके मेडिकल स्टैंडर्ड थे, और ये PWBD कैंडिडेट के लिए कौन से एलिजिबल है कौन नहीं, वो उसके लिए मैंने इसको यहाँ पे लगाया था। लेवल आपको उसके यहाँ पर पूरे दिख जाएंगे, बेसिक पे ये है, इसके ऊपर अलाउंसेस लग के बनता है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो ये थी, अगर कोई CCTC बनना चाहता है तो उसके लिए देखो PWBD कैंडिडेट में ये वाला अलाउ, विजुअली इम्पेयर्ड को अलाउ नहीं है, और ये एक OD इसको अलाउ नहीं, बाकी ये सब अलाउ है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, ये जो 12th लेवल की जितनी भी पोस्ट है इनमें एक बात है, 12th में आपके 50% होने चाहिए अगर आप UR, OBC या EWF कैंडिडेट हो। यानी अगर कोई कैंडिडेट SC का है, FT का है, या PWBD कैंडिडेट है, या एक्स सर्विसमैन है, तो उनको ये ज़रूरत नहीं है, यानी उनको 50% की ज़रूरत नहीं है। और एक बात जो ध्यान देना है कि मान लो आपने 12th में आपके 40% है, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या कोई डिग्री है आपके पास, तो आपको ये 50% वाली आपकी जो ज़रूरत है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ी बात कर लो, तो पहले क्या होता है, इसमें एक प्री होता है यानी CBT 1 होता है, जिसमें कि एक स्क्रीनिंग होती है। बेसिकली पिछली बार क्या हुआ था उसको लेके भी बड़ा मसला हुआ था, मैंने इसलिए पहले बोला था वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। चलो पहले ये समझ लो कि एक होता है CBT 1, CBT 1 में क्वालिफाई करते हैं अलग अलग लेवल के लिए अलग कट ऑफ आती है, यानी लेवल 2 के लिए अलग कट ऑफ, लेवल 3 के लिए अलग कट ऑफ, लेवल 4 के लिए अलग कट ऑफ, लेवल 5 के लिए अलग कट ऑफ, और लेवल 6 के लिए अलग कट ऑफ, ऐसी आती है, और फिर हिसाब से आप क्वालिफाई करते हो। लेकिन पिछली बार एक बार क्या हो गया था कि लेवल 5 में अगर मान लीजिए 5 प्रकार की पोस्ट है लेवल 5 में, तो 5 पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ आ गई थी, जिसमें एक ही बच्चा लेवल 5 की कोई एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हो रहा था। तो फिर स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्शन के बाद क्या किया गया कि लेवल 5 की लेवल 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा के लिए एक कॉमन कट ऑफ निकाली गई, मतलब एक लेवल के लिए एक कट ऑफ निकाली गई और फिर पेपर हुए। लेकिन अब इस बार अगर ऐसा होता है कि पोस्ट वाइज भी कट ऑफ निकलती है तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। देखो निकलेगी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लॉजिकली तो नहीं निकलना चाहिए, लेकिन आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना है, ठीक है, यानी बेस्ट तैयारी करनी है। अब फिर होता है CBT 2। CBT 2 किस प्रकार से होता है, CBT 2 हर लेवल के लिए अलग होता है, वो एक चार्ट है आगे वो दिखाऊंगा। इसमें क्या CBT 1, CBT 2 जिस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट की जरूरत है उसके लिए स्किल टेस्ट होगा, स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी आपको ये भी पता चलेगा कि एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है। टाइपिंग टेस्ट किसके लिए चाहिए, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, जूनियर टाइमकीपर, अकाउंट्स क्लर्क इसके लिए, फॉर ट्रेन क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, इनके लिए सिर्फ 2 पेपर होंगे बस, इसके बाद कोई नहीं, इसके बाद सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर में एग्जाम अप्लाई करते हैं लोग, बहुत सारे शिफ्ट में पेपर होते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन करके उसके जो पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल है उसको बराबर किया जाता है। किस हिसाब से शॉर्ट लिस्ट होते हैं, 100 लोगों ने अप्लाई किया तो पहले पेपर में एक पोस्ट के लिए, ठीक है, एक पोस्ट के लिए मान लीजिए 100 ने अप्लाई किया तो CBT 1 में 20 लोग पास करे जाएंगे, 80 लोग जो है फेल करे जाएंगे। अब ये 20 लोग जो है ये CBT 2 देंगे, CBT 2 में से 12 लोग को फेल किया जाएगा, 8 लोग को पास किया जाएगा, और ये टाइपिंग टेस्ट है तो टाइपिंग टेस्ट देंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट है तो एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे, ठीक है, समझ गए, उस हिसाब से चीज़ें आगे होगी। नेगेटिव मार्किंग 130 की,
कैंडिडेट शुड एंटर द नेम, ये बहुत ध्यान से करो फॉर्म भरते समय, आपका जो 10th में नाम है, 10th में जो बर्थ डेट है वो ही लिखना है, ठीक है। सिग्नेचर आपके, फिर से बता ही देता हूँ ना, अगर कंप्लीट वीडियो बना रहे तो फार, अगर आपका नाम राजू है और सिग्नेचर अगर ऐसा करोगे तो फेल हो जाओगे, फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसा लिखोगे आर ए जे यू अलग अलग तो भी फेल हो जाओगे। क्या होना चाहिए, रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए, यानी इस प्रकार से होना चाहिए, जुड़े हुए अक्षर, ऑल कैपिटल नहीं होने चाहिए, ब्लॉक लेटर नहीं होने चाहिए, ऐसा सिग्नेचर होना चाहिए। और सिग्नेचर आप 10th में क्या करते थे, 12th में क्या करते थे, उससे मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इससे है कि अभी फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपने ऐसा सिग्नेचर किया तो पूरी एग्जाम प्रोसेस में आपको यही सिग्नेचर करना है, बीच में आप सिग्नेचर चेंज नहीं कर सकते। अगर हिंदी में कर रहे हो तो हिंदी में ही करना है, अगर इंग्लिश में कर रहे हो तो इंग्लिश में ही करना है, ठीक है। ये अगर आप ऐसा राजू का सिग्नेचर हिंदी में करते हो तो कोई बात नहीं, ऐसा ही करो, लेकिन इंग्लिश के बारे में ये नियम है सारे। मुझे लगता है कि आपके लिए जो बेस्ट सिग्नेचर रहेगा वो यही रहेगा, ऐसा जुड़ा वाला, ठीक है। ऑल स्टेज में आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में रनिंग हैंड राइटिंग में होने चाहिए, एकदम सेम होने चाहिए, आइडेंटिकल, और ब्लॉक या कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए, डिसजॉइंट लेटर नहीं होने चाहिए, यानी अलग अलग नहीं होने चाहिए, यानी कि अगर अलग अलग तरह के सिग्नेचर करोगे आपके आइडेंटिकल सिग्नेचर नहीं होंगे तो यार बहुत इशू होने वाला है। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन ये आपको धीरे धीरे वेबसाइट पे पता चलती जाएगी, बीच की अफवाहों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर 2 दिन लेट भी आपको एग्जाम की डेट पता चलेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए ऑफिशियल सोर्सेस पे ही रिलाई करना है। बाजार में मैं आपको बताऊं अगर तो रेलवे की जॉब्स को लेके जितनी अफवाहें बाजार में आती उतनी किसी और एग्जामिनेशन के बारे में मैंने नहीं देखी। तो आपको क्या होता है, आप अगर एक आदमी कोई ग्रेजुएट है वो पूरी पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो वो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस लिखता है कि उसको सबसे पहले क्या चाहिए, अगर अच्छे नंबर लाए, सबसे ज़्यादा नंबर लाए तो उसको पहली पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ कि मान लीजिए पहली पोस्ट पे 20 पोजीशन है लेकिन 100 लोगों ने अगर कट ऑफ क्वालिफाई करी तो टॉप 20 लोग को उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी जाएगी, फिर वो 20 निकल गए, अब वो नीचे के 80 लोग की जो सेकंड प्रेफरेंस होगी वो उनको दे देंगे। अगर मान लीजिए 0.25 का चश्मा लगाते हो या चलो 0.5 का भी लगाते हो तो बिना चश्मे के आपका विजन टेस्ट करना अगर 6x9 आ गया तो ठीक है, इसमें कलर विजन टेस्ट भी, बायनाकुलर टेस्ट, ये सारे टेस्ट भी आपको पास करने होते हैं। A3 में क्या होता है, विथ और विदाउट ग्लासेस, यानी अगर चश्मा लगाते भी हो और चश्मे का नंबर 2 से कम है, +2 -2 तक का अगर नंबर है तो आप A3 में पास हो जाओगे। फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट एक्सेप्ट PWBD कैंडिडेट, ये चलेगा, ये जो है ऑल एस्पेक्ट वाला PWBD कैंडिडेट जो है उनके लिए मैंने आपको एकदम शुरू में एक टेबल दिखा दिया था, तो वो वहां पे वो टेबल देख सकते हो PWBD कैंडिडेट। अगर आप B2 मेडिकल स्टैंडर्ड देखो तो B2 कब मिलता है, जब आप विद और विदाउट ग्लासेस है, तो अगर चश्मे का नंबर A3 में क्या था, +2 -2, इसमें है +4 -4, यानी अगर +4 होता है तो भी आप पास हो जाओगे, -4 है तो भी आप पास हो जाओगे। C2 में क्या है, चश्मे की कोई लिमिट नहीं कि कितना भी चश्मा पहनो आप, आपका बस विजन जो है 6x12 आ जाना चाहिए, चाहे ए इसमें अगर एक आंख का भी है तो भी चलेगा। देखो 6x12 और नील, यानी कि जो बेटर आई है वो 6x12 होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लासेस। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड पे एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरी डिटेल ये यहाँ से वॉल्यूम से उठा करके, ये यहाँ से वॉल्यूम 1 से लेके आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में अगर बोलने में कुछ गलती होती है तो समझने की कोशिश करना, ठीक है। एज लिमिट के बारे में अब डिटेल में बता देता हूँ, द लोअर एंड अपर एज लिमिट क्या होगी इसमें, देखो ये रेकंड का मतलब है कि ये है वो इसको बोलते हैं क्रूशियल डेट, यानी कि इस डेट पे सारी चीज़ें चेक करी जा रही थी। जैसा मैंने आपको बोला ना कि अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि जुलाई में नोटिफिकेशन आता है तो संभावना है कि 2025 की जनवरी को क्रूशियल डेट मान लिया जाए या फिर 1 जुलाई को क्रूशियल डेट माना जाए, ये तो बाद में ही क्लियर होगा, लेकिन पिछली बार जो था वो 1 जुलाई 2019 थी। तो जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है उसके लिए पहले 18 से 30 होती थी, इस बार क्या रहेगी, 33 रहेगी, ठीक है। और ये रिलैक्सेशन मिलेंगे, यानी OBC से है तो कोई 36 की उम्र तक अप्लाई कर सकेगा। इसी प्रकार ग्रेजुएट पोस्ट की अगर बात करें तो ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अगर पहले 18 से 33 रहती थी, इस बार अगर कोई 36 का है तो भी वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएगा। देख इस प्रकार से देखो OBC NCL से है तो 39 तक का, ठीक है। बाकी सारे एज रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ लिखे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ, इसमें लिखा है कि जो क्रूशियल डेट है ना, क्रूशियल डेट के पहले आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए तभी आप अप्लाई करो, नहीं तो मत करो, बात समझ गए। क्रूशियल डेट जो रहेगी, जैसे अगर मान लीजिए मेरे को जो उम्मीद है क्रूशियल डेट रहेगी 1 जुलाई 2024, तो इसके पहले आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए, भले मार्कशीट ना मिली हो लेकिन रिजल्ट आ जाना चाहिए, और वो रिजल्ट का प्रॉपर प्रूफ आपको रखना पड़ेगा, वरना प्रिंसिपल से लिखवा के ले जाना पड़ता है कि इस डेट तक रिजल्ट आ गया था, और वो डेट 1 जुलाई से पहले होनी चाहिए। एग्जामिनेशन फी के बारे में बता देता हूँ, ये फीस है और जिसमें से रिफंड भी हो जाता है, अगर आप CBT 1 देते हो तो 500 में से 400 रिफंड हो जाएगा, 250 में 250 रुपये रिफंड हो जाएगा। एक इसमें नया मसला है,
वो तो मुझे लगता है फेसिलिटी से ज़्यादा तकलीफ वाली बात है। EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जिसमें क्या होता है ये फी में छूट मिल जाती है, जैसे 500 की जगह यहाँ 250 रुपये ही लगेंगे, यहाँ 250 की जगह कुछ तो रिलैक्सेशन मिलता है। तो भाई प्लीज़ ऐसा मत करना, EBC के चक्कर में मत पड़ना, जितने लग रहे हैं भर देना, ठीक है, बाद में तो रिफंड आना ही है। अब ये बता दिए EBC, इसके चक्कर में मत पड़ना बिल्कुल मत। ये PWBD कैंडिडेट क्या होते हैं उसके बारे में देखो, बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है, हर नोटिफिकेशन में लिखी रहती है। मैं सोच रहा हूँ कि इसके बारे में जब मैं पूरा सीख लूँ, पूरी चीज़ें मुझे पता चल जाए, तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। ये स्पेशल नोट को बहुत ध्यान से पढ़ो, देखो इसमें लिखा है कि जो भी आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हो या एज बेनिफिट ले रहे हो, उसके जो सर्टिफिकेट है ये आपके पास ऑलरेडी होने चाहिए, एलिजिबिलिटी जो इसमें लिखी है उसके लिए होनी चाहिए। अगर इसके आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन देखो फॉर्मेट भी वही होना चाहिए जो दिया है, फॉर्मेट क्या है नोटिफिकेशन के लास्ट में आपको दिखा दूंगा, या जब आप न्यू फाइनेंशियल ईयर का बना लेना, जुलाई में ये आएगा तो अप्रैल के बाद एक बार फिर से अपने ये डॉक्यूमेंट बना लेना। पुराना डॉक्यूमेंट दोगे तो एक दिन दो दिन के अंदर ही आपको नया वाला बन के मिल जाएगा। फॉर्मेट क्या है वो लास्ट में आपको एक बार दिखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछली बार जो हुआ था इस बार भी उसी प्रकार से एग्जाम होने वाला है, क्योंकि बहुत कंप्लीट प्रोसेस है ये, तो पिछली बार जो हुआ था उसी होगा। तो देखो जो पहला CBT होता है ना, फर्स्ट टेस्ट जो होता है वो इस प्रकार से होता है, मिनट मिलते हैं 90, GA के आते हैं 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स और GIR जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आते हैं 30 क्वेश्चन, यानी ये फॉर्मेट क्या रहता है 30-30-40 का रहता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन टोटल मिलते हैं, 90 मिनट मिलते हैं, 1/3 के नेगेटिव मार्किंग रहता है। एक सीट पर 20 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया जाता है, एक कैंडिडेट हर लेवल में क्वालिफाई हो सकता है, उस पर कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। सिलेबस क्या होता है ये देख लो, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस और ये सब। तो सिलेबस बेसिकली ये है कि रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगी, जो मैथ्स जो होती है वो 10th लेवल तक की ही होती है, भले ग्रेजुएशन लेवल का पेपर देते हैं। लेवल जो रहता है रीजनिंग का अच्छा रहता है, बहुत कठिन नहीं रहती, बहुत आसान नहीं रहती, थोड़ी सी पजल्स भी आती है ना वन नंबर वाली, तो थोड़ी ईजी रहती है, उतना टफ नहीं रहता। इस पर हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे जिसमें लेवल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और जो भी आपकी डिमांड है सही डिमांड कमेंट करके बताओ, जरूर फुलफिल करेंगे। मैथमेटिक्स ये रहती है, मैथमेटिक्स में एडवांस, मतलब एडवांस को क्या कहना चाहिए, एलजेब्रा भी बेसिक आता है, ज्योमेट्री भी बहुत बेसिक आती है, और ट्रिगो भी बेसिक आती है, ये भी बेसिक, लेकिन ये जो बाकी चीज़ें ना, डेसिमल, फ्रैक्शन बहुत अच्छा आता है, डेसिमल भी बहुत अच्छा आता है, नंबर सिस्टम भी अच्छा आता है, एलसीएम, एचपीएफ, रेशियो, ये जो है ना मैन्फ्यूरेशन तक की चीज़ें ये बढ़िया आती है। मैन्फ्यूरेशन को थोड़ा ज़्यादा पढ़ना, बाकी जो ज्योमेट्री है इसके आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, लेकिन जो परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, इसके आपको अच्छे से क्वेश्चन आने चाहिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस भी, इसके अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन कर लेना। एक तो क्वेश्चन जो प्री में एक क्वेश्चन आया था जो मैं नहीं बना पाया था, इंस्टॉलमेंट वाला एक क्वेश्चन आया था, मैंने पढ़ा भी नहीं था और कर भी नहीं पाया था, तो वो भी एक बार आप तैयार कर लेना। एकदम हाई लेवल का इंस्टॉलमेंट नहीं, लेकिन बेसिक इंस्टॉलमेंट निकालने का जो तरीका होता है वो आपको आना चाहिए। इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के ये सारे टॉपिक पढ़ सकते हैं। अवेयरनेस, ये जनरल अवेयरनेस जो होती है, इसके लिए तो आप लूफेंट पढ़ना अभी, और जो फिर इसका परफेक्ट वीडियो की जनरल अवेयरनेस को प्रिपेयर कैसा करना है उसका वीडियो मैं बनाऊंगा। मुझे अंदाजा है कि वो वीडियो कम से कम 25 मिनट प्लस का रहने वाला है, लेकिन A to Z चीज़ें मैं उसमें आपको बताऊंगा। अगर आपको ज़रूरत होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बता। CBT 1 में 20 गुना लोगों को क्वालिफाई करके CBT 2 होगा, और CBT 2 इस प्रकार से होने वाला है। इसमें देखो मिनट 90 ही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो है वो 120 हो जाएंगे, यानी लेवल ऑफ क्वेश्चन वही रहने वाला है, लेकिन जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो बढ़ जाएगा, जिससे आपका प्रेशर बढ़ेगा। GF में 50 हो जाएंगे, मैथमेटिक्स और रीजनिंग में 35-35 हो जाएंगे। ये पहले कैसे थे, 30-30-40 थे ना, अब ये 35-35-50 हो जाएंगे। तो मतलब कितनी ज़्यादा अच्छी बात है ये आपको मैं समझाता हूँ एक बार, कि CBT 1 में भी सेम चीज़ पढ़ना है, CBT 2 में भी सेम चीज़ पढ़ना है। CBT 1 क्वालिफाई करके CBT 2 तक लगातार तैयारी करोगे तो ये स्पीड को भी आप कवर कर लोगे, कुल मिला के स्पीड आपकी बढ़नी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग सेम रहेगी, सिलेबस एकदम सेम है, कोई अंतर नहीं है। इसको समझ लो कि 10वीं लेवल तक की हिस्ट्री वगैरह सब आती है ना, बहुत ज़्यादा आपको डीप चीज़ें की जरूरत नहीं पड़ती। रेलवे में लेकिन GF थोड़ा सा अच्छा रहता है बाकी एग्जाम की तुलना में। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार की पोस्ट के लिए होता है, ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए और स्टेशन मास्टर के लिए। लोको पायलट में भी होता ही है, लेकिन हम अभी NTPC की बात कर रहे हैं, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट किस टेस्ट के लिए, पोस्ट के लिए होता है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर के लिए होता है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइम कीपर के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है। बाकी जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की पोस्ट थी उसमें ये, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है।
अब ये वाली चीज़ आपको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऑलरेडी मैं फिर भी बता चुका हूँ लेकिन इसके लिए रुका था मैं, डिटेल में बताता हूँ एक बार। देखो ये है एग्ज़ाम के लेवल, ये जो लिखे हैं CBT 1 कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, ये इस बार भी होने वाला है। पिछली बार जो गलती हुई थी वो ये हुई थी कि ये जो पोस्ट है इस पोस्ट के लिए, जैसे मान लो ये सेम लेवल की पोस्ट है, कितनी 4 पोस्ट है ना लेवल 2 की, तो पिछली बार क्या हुआ था इस पोस्ट के लिए अलग कट ऑफ, इसके लिए अलग कट ऑफ, इसके लिए अलग कट ऑफ, इसके लिए अलग कट ऑफ हो गई थी, जबकि नोटिफिकेशन से ऐसा समझा गया था कि हर लेवल के लिए एक कट ऑफ आने वाली है। तो फिर ऑब्जेक्शन लेने के बाद करेक्ट करके एक लेवल के लिए एक कट ऑफ बनाई गई थी, ठीक है, यानी लेवल 2 की एक कट ऑफ आई थी, लेवल 3 की कट ऑफ, 4 की कट ऑफ, 5 की, 6 की। अब इस बार अगर वैसा करें, पोस्ट वाइज कट ऑफ देते हैं या नहीं देते वो तो डिपेंड करेगा, लेकिन अच्छे नंबर लाना तो ये सब हो जाएगा। अब CBT 2 किस प्रकार से होता है, लेवल 2 के लिए एक होता है, लेवल 3 के लिए एक, लेवल 4 के लिए एक, लेवल 5 के लिए एक, लेवल 6 के लिए एक। मान लीजिए 80 नंबर आपके आए, तो अगर 80 कट ऑफ गई लेवल 6 की तो आप इसमें भी क्वालिफाई हो जाओगे। लेवल 5 की कट ऑफ ऑफकोर्स लेवल 6 से कम ही जाएगी क्योंकि पोस्ट इसमें ज़्यादा रह सकती है, तो मान लीजिए इसकी 78 गई तो आप इसमें भी क्वालिफाई हो जाओगे, इसकी 76 गई इसमें भी क्वालिफाई, और इसकी अगर 72 गई तो इसमें भी क्वालिफाई। ये मैं बात कर रहा हूँ CBT 1 की। लेकिन CBT 2 जो होगा, CBT 2 में मान लो आपने लेवल 6 में 100 नंबर ला लिए, लेकिन इसमें अगर 70 नंबर लाए तो कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों का, लेवल 6 और लेवल 2 का। इसके बाद ही एकदम अलग एग्जाम हो गई ऐसा समझ लो, कि लेवल 2 की में अलग कॉम्पिटिशन हो जाएगा, लेवल 6 में अलग कॉम्पिटिशन हो जाएगा, मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होगा शिफ्ट के हिसाब से। लेकिन एक बात अभी से बता देता हूँ, CBT 2 में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका पेपर अलग अलग शिफ्ट में होगा ही नहीं। बहुत ही मतलब एकदम ही कहना चाहिए इंटेलिजेंट और बहुत ही साफ नीयत से ये पेपर कराया गया। पिछली बार CBT 2 का पेपर इतना मस्त तरीके से कराया गया क्योंकि बच्चे लोग जो है CBT 1 में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था उससे परेशान थे, तो बहुत इंटेलिजेंट एग्ज़ाम कराया रेलवे ने, और CBT 2 को इस तरीके से सेट किया गया कि एक लेवल के लिए एक ही पेपर हुआ, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी, तो नॉर्मलाइजेशन का लफड़ा ही नहीं आया, ठीक है। बाकी अप्लाई कैसे करना है वो सारी चीज़ें यहाँ दी रहती है, जब नोटिफिकेशन आएगा अप्लाई करने के पहले आपको एक एक चीज़ बता दूंगा। अब देखो ये बात को ध्यान देना कि पोस्ट आप जिस पोस्ट को प्रेफरेंस में डालोगे उसी के लिए एलिजिबल रहोगे। अगर आपने ऐसा किया कि कोई पोस्ट को छोड़ दिया तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, चाहे नंबर आप कितने ही ला लो, ये प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट देना पड़ता है। ये देखो जब नोटिफिकेशन आने वाला रहेगा उसके पहले आपको ये पता चल जाएगा कि प्रेफरेंस आपको क्या देना है। मैं आपको सब क्लियर करके बताऊंगा क्या देना है, मतलब मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा सारी की सारी, किस में क्या पॉजिटिव किस में क्या नेगेटिव, उस हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस बना सकते हैं। एग्जाम लैंग्वेज जो है वो इतनी सारी एग्जाम में होता है, और RRB जो आपने ऑप्टेट किए हो वो कभी चेंज नहीं हो सकता, ईमेल आईडी कभी चेंज नहीं होगी, मोबाइल नंबर कभी चेंज नहीं होगा। इनवैलिड फोटो रही तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, सिग्नेचर गलत रहे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर फाइनल सिलेक्शन में बाद में दिक्कत आएगी, ठीक है। एडमिट कार्ड वगैरह कब आता है, एग्जाम प्रोसेस में क्या चीज़ें रहती है, उसके लिए एक अलग वीडियो मैंने बनाया है कि फॉर्म अप्लाई करने से लेके सिलेक्शन के बीच में क्या प्रोसेस रहती है, वो चैनल पे ऑलरेडी है। वो वीडियो के बारे में आपको बता दिया ना, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि कौन सी RRB के अंदर कौन से जोन आते हैं, वो सारे जोन के अंदर डिवीजन के वीडियो ऑलरेडी चल ही रहे हैं। अब ये फॉर्मेट्स हैं जो नोटिफिकेशन के नीचे दिए रहते हैं, तो ये सारे इन फॉर्मेट्स में आप डॉक्यूमेंट बना लेना, ठीक है। इसका PDF मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करना। टेलीग्राम के जो ग्लोबल सर्च वाला ऑप्शन रहता है ना, ऐसा यहाँ लेंस बना वाला, इस पे आप सर्च करना ADARFHA आदर्स CHOUDHARY 96, ये सर्च करना तो आपको वो ग्रुप मिल जाएगा चैनल, उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें चैट का भी ऑप्शन है, कोई मैसेज करना चाहते हो तो चैट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैसेज करना, रिलेवेंट चैट का मैं रिप्लाई आपको पर्सनली मैसेज में कर दूंगा। उसके बाद ये सारी डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट यहाँ दिया रहता है। नोटिफिकेशन कभी भी आता है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना। अब इसके बाद एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये कि 13 प्रकार की पोस्टें, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर पोस्ट हर जोन में आ ही जाए, हर पोस्ट हर जोन में नहीं आती। और जब आप स्टेशन मास्टर का फॉर्म भरते हो तो इसका जो CBAT होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, तब आपको अपने आँखों का मेडिकल करवा के खुद लेके जाना पड़ता है। और ये डिटेल को मैंने कॉपी करके आपको पहले बता दिया क्या क्वालिफिकेशन है। देखो इस प्रकार से फिर वैकेंसी टेबल पता चल जाती है कि किस जोन में कितनी वैकेंसीज है। अब जैसे देखो टोटल 13 प्रकार की पोस्ट थी, तो यहाँ पे पूरी 13 पोस्ट है अहमदाबाद में, यहाँ पे देखो, लेकिन RRB भुवनेश्वर में सिर्फ 11 प्रकार की पोस्ट है। इसी प्रकार से आगे आते हैं तो देखोगे RRB गोरखपुर में 13, गुवाहाटी में 13, श्रीनगर में देखो तो 12 प्रकार की ही पोस्ट आई, कोलकाता में पूरी 13 आई, मालदा में पूरी 13 आई, मुंबई में देखो तो पूरे 13 पोस्ट आई, ठीक है। अब इसमें देखना एक बात ध्यान देना, लेवल 4 वाली पोस्ट कोई नहीं है, लेकिन
देखो ध्यान से देखो, यहां पर लेवल चार की जो एक पोस्ट थी ट्रैफिक असिस्टेंट, वो यहां पर नहीं आई है, ठीक है। यानी यहां पर फिर लेवल छह का पेपर हुआ, पांच का हुआ, तीन का हुआ, दो का हुआ, लेवल चार का पेपर आरआरबी मुंबई से नहीं हुआ, क्योंकि लेवल चार की यहां पे पोस्ट ही नहीं थी। इस प्रकार से बहुत सी चीज चेंज होती है। मुजफ्फरपुर में देखो 11 ही प्रकार की पोस्ट आई। तो ये था हमारा वीडियो। मैंने कोशिश किया इसको मैं एकदम क्रिस्प रखता, लेकिन जब चीजें बताने बैठो तो बातें दूर तक हो ही जाती है। तो देखो जो आरआरबी एनटीपीसी रहने वाला है, अभी समझ लो आप 2024 का आरआरबी एनटीपीसी, इसकी सारी डिटेल आपको मैं सही बता रहा हूँ, अभी से लेकर के प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने तक एक एक डिटेल मैं आपको पूरा देने वाला हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट है कमेंट करके मुझे बताना। अभी अभी ये वीडियो आपके लिए बनाया, अब इसको एडिट करूंगा, बीच में जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा पॉज लिया है, कुछ लिया वो एडिट करूंगा। काफ़ी मेहनत, देखो ऐसा लगता होगा देखने में कि कितना ईजी है, पीडीएफ खोला पेन से लिख के ज्ञान दे रहा हूं मैं लगातार बस, लेकिन भाई बहुत मेहनत जाती है वीडियो बनाने में, इसीलिए ऐसा होता है कि मैं कम वीडियो बना पाता हूं। लेकिन कोशिश करता हूं कि जो कंटेंट रहे वो बहुत अच्छा रहे, फालतू में अपने व्यूज के लिए या सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ भी दिन भर वीडियो बनाता हूँ वो मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है, जो मेरा हमेशा मेरा मोटो रहेगा, कि अगर वीडियो आप देखो तो आपकी हेल्प हो, आपका टाइम वेस्ट कभी ना हो, ठीक है। तो आपके अगर कोई भी वैल्यूबल सजेशंस है तो वो मुझे ज़रूर देना। और बढ़िया, आप किसी का बड़ा भाई हो सकता हूँ मैं, किसी का छोटा भाई हो सकता हूँ, मेरे को बस यूट्यूबर समझने की गलती बिल्कुल मत करो, यूट्यूबर मैं नहीं हूँ। यूट्यूबर बनने के लिए कुछ अलग क्वालिफिकेशन होती है जो मेरी बिल्कुल नहीं है। मैं आप एक तरीके से आपका मैं गाइड हूँ और मैं आपका गाइड ही रहना चाहता हूँ। बड़ा भाई समझो, छोटा भाई समझो, वो सब चलेगा, यूट्यूबर समझने की गलती प्लीज़ मत करना। इसीलिए वीडियो क्वालिटी कैसी है या साउंड क्वालिटी कैसी है उस पर ध्यान मत दो। कॉन्टेंट में अगर कोई भी दिक्कत दिखे तो बिल्कुल कमेंट करो, मैं उसमें करेक्शन करूँगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।